नमस्कार देवियों, सज्जनों और प्रिय रामदंडियों, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो कि 21 जून को मनाया जाता है, इस अवसर पर हम पाठशाला में एक 7 दिवसीय योग शिविर लगा रहे हैं, जिसमें हमारे अध्यापक गण आप लोगों को योग से जुड़ी हुई और प्राणायाम से जुड़ी हुई जो अभ्यास है उसका बेसिक्स बताएंगे। योग एक ऐसी चीज है जो कि हमारे दिमाग को हमारे समस्त शरीर से जोड़ती है। प्रिय रामदंडियों, प्रतिदिन 7 दिन के लिए हम आपको 2 योग के आसन और 1 प्राणायाम की विधि बताएंगे, जिसे अगर आप अपने दिनचर्या में शामिल कर लो और रोज अगर आप 1/2 घंटे इसे किया करो तो आपका शरीर और दिमाग एक हो जाएगा, इसका योग हो जाएगा और आपका जो आउटपुट है पूरा दिन भर आप तरोताजा रहेंगे, किसी भी काम करने में आपको कठिनाई नहीं आएगी और साथ ही साथ आपके किसी भी काम में शारीरिक और मानसिक विघ्न नहीं आएगा, ऐसा मेरा दावा है। अगर आप करेंगे इसे दिल और दिमाग लगा के करेंगे तो ये आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। तो आप सबसे मेरी ये शुभकामनाएं कि आप योग दिवस में हमारे साथ मिले और इस प्रक्रिया को अपने दिनचर्या में शामिल करें। जय हिंद। जय हिंद। मैं श्री वैभव खोले और मेरे साथ मेरे मित्र श्री प्रवीण मात्रे योग दिन के अवसर पर भोसला मेडिकल स्कूल की तरफ से 1 सप्ताह का योग की कार्यशाला का आयोजन किया गया है। योग संस्कृत भाषा की यूज धातु से बना हुआ है, अर्थात योग का अर्थ है जोड़ना, शरीर मन और आत्मा को एक साथ लाने की प्राचीन भारतीय पद्धति को योग कहा गया है। आज के वर्तमान जीवन शैली अत्यंत व्यस्त और भागदौड़ युक्त हो गई है। आज के समय में व्यक्ति रिश्तों से विलग हो जा रहा है, उसके पास अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने का समय भी नहीं है। अनेक व्यक्ति तो दवाओं के सहारे जीवन जी रहे हैं। मैं लोक मानव के लिए एक वरदान से कम नहीं, वह यदि अपने व्यस्त समय से भी बहुत थोड़ा समय निकालकर योग एवं उसकी क्रिया को अपनाए तो निश्चित ही वह शारीरिक मानसिक एवं आध्यात्मिक लाभ प्राप्त करेगा। स्वस्थ शरीर लंबी आयु के साथ ही उसके आत्मचिंतन की शक्ति भी बढ़ेगी। तो मित्रों, कौन सा भी आसन करने से पहले शरीर को उत्तेजित करना जरूरी है, तो आज हम आसन शुरू करने से पहले शरीर की उत्तेजित व्यायाम सूक्ष्म व्यायाम करते हैं। सूक्ष्म व्यायाम शुरू करने से पहले अपने दोनों पैरों में अंतर रखना जरूरी है एवं अपने दोनों हाथ कमर के ऊपर रखना जरूरी है। फर्स्ट है नेक रोटेशन। नेक रोटेशन आपने स्लोली करना है, राइट साइड से आपने 5 बार रोटेट करना है और लेफ्ट साइड से आपने 5 बार रोटेट करना है। इससे आपकी जो गर्दन की मसल से वह रिलैक्स होगी और उसको उत्तेजना मिलेगी। नेक्स्ट है साइड टू साइड, जिसमें यह एक्सरसाइज में आपने एक बात ध्यान में रखनी है, आपने अपनी गर्दन शोल्डर को टच करने की कोशिश करनी है, इससे आपकी गर्दन की मसल स्ट्रेच होगी। नेक्स्ट है अप डाउन। अप डाउन एक्सरसाइज करते समय आपने श्वास भरते हुए ऊपर जाना है और श्वास छोड़ते हुए नीचे आना है। ये भी एक्सरसाइज आपने 5 टाइम करना जरूरी है। ओके, नेक्स्ट एक्सरसाइज है शोल्डर रोटेशन। शोल्डर रोटेशन करते समय आपने दोनों हाथ के एल्बो एक दूसरे को टच होना जरूरी है, उनका स्पर्श होना जरूरी है। यह भी एक्सरसाइज आपने 5 टाइम करना है और लेफ्ट साइड से उल्टा 5 टाइम आपने एक्सरसाइज करना है। ओके, नेक्स्ट एक्सरसाइज है हैंड रोटेशन। हैंड रोटेशन आपने 5 टाइम करना है
और रिवर्स जाते समय 5 टाइम करना है। ये सूक्ष्म व्यायाम करते समय आपने एक बात ध्यान में रखनी है, ये व्यायाम करते समय आपने कौन सी भी जल्दबाजी करना नहीं है, ये एक्सरसाइज स्लोली करना ज़रूरी है। ओके, नेक्स्ट एक्सरसाइज है रिस्ट रोटेशन। रिस्ट रोटेशन ये भी आपने अपने जो हाथों की हाथों की मसल्स लूज होने में मदद करती है। ये एक्सरसाइज करते समय भी आपने 5 टाइम एक साइड से करना है और 5 टाइम उल्टा करना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज है हिप रोटेशन। हिप रोटेशन करना है 5 टाइम, जैसे कि हमने नेक रोटेशन किया था वैसे ही आपने 5 टाइम राइट से करना है और 5 टाइम लेफ्ट से करना है। सेम अपने फ्रंट साइड 5 टाइम करना है, गर्दन रीढ़ की हड्डी को स्ट्रेच करना है। गुड, नेक्स्ट एक्सरसाइज है एंकल रोटेशन। एंकल रोटेशन भी आपने पूरा करना है 5 टाइम राइट से 5 टाइम लेफ्ट से, देन अप डाउन 5 टाइम, चेंज द लेग सेम एज इट इज, जैसे हमने किया था एंकल रोटेशन वैसे ही करना है 5 टाइम राइट 5 टाइम लेफ्ट अप डाउन स्लोली डाउन। नेक्स्ट है स्क्वाट पोजिशन। स्क्वाट पोजिशन करना है जैसे कि हम चेयर पे बैठते हैं वैसे ही आपने स्क्वाट पोजिशन करना है। इसमें आपने एक बात ध्यान में रखनी है, जो आपने नीज है वो टो के आगे जाना नहीं चाहिए, इससे आपके थाइज के मसल्स के ऊपर स्ट्रेच गिरेगा और अपनी थाइज की मसल्स पावरफुल बनने में मदद करेगी। इस तरह सूक्ष्म व्यायाम खत्म होते हैं। ताड़ासन, फर्स्ट है ताड़ासन। ताड़ासन करने से पहले आपने दोनों पैरों में अंतर रखना जरूरी है, अपने सिर के ऊपर हाथ रखो रखना जरूरी है। ओके, ताड़ासन करते समय आपने एक बात ध्यान में रखनी है, सांस भरकर ऊपर जाना है और पूरे बॉडी को स्ट्रेच करना है, अपने टो के ऊपर आकर पूरे बॉडी को स्ट्रेच करना है, जैसे कि आप, इससे क्या होगा डाउन, इससे आपका शरीर का संतुलन बनाए रहेगा, अपनी बॉडी एकाग्रता बढ़ेगी, बच्चों की हाइट शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए यह आसन इम्पोर्टेंट है। यह आसन से एकाग्रता बढ़ने में मदद करती है और बच्चों की हाइट बढ़ाने में इसकी मदद होती है। श्वास भरते हुए ऊपर जाना है और श्वास छोड़ते समय डाउन होना है। दूसरा आसन का नाम है वृक्षासन। वृक्षासन करने से पहले आपने दोनों पैरों में अंतर रखना है, शोल्डर विल डिस्टेंस, हाथ की मदद से अपना पैर जांघों के इधर रखना है, फिर प्रणाम पोजीशन में आना है और धीरे धीरे हाथ लेकर ऊपर की तरफ हाथ को लेकर जाना है, धीरे लेकर वापस हाथ को नीचे लाना है, स्लोली अगेन आपने ये एक्टिविटी दूसरे पैर से भी करनी है। इसमें आपको संतुलन बढ़ाने में मदद होगी, एकाग्रता बढ़ाने में मदद होगी, जो कि आज के जीवन में महत्वपूर्ण है। इस तरह यह एक्टिविटी आपने करनी है, इसको वृक्षासन कहते हैं। आज हम 2 प्राणायाम देखेंगे। पहला है कपालभाति। कपालभाति किस तरह करते उसके बारे में जानेंगे। कपालभाति प्राणायाम करने के लिए एक सिद्धासन
पद्मासन या वज्रासन में आप बैठ जाए और अपनी हथेलियों को घुटनों पर रखें। अपनी हथेलियों को सहायता से घुटनों को पकड़कर शरीर को एकदम सीधा रखें। अब अपनी पूरी क्षमता का प्रयोग करते हुए सामान्य से कुछ अधिक गहरी सांस लेते हुए अपनी छाती को फुलाएं। इसके बाद झटके से सांस को छोड़ते हुए पेट को अंदर की ओर खींचे। जैसे ही आप अपने पेट की मांसपेशियों को ढीला छोड़ते हैं, सांस अपने आप ही फेफड़ों में पहुंच जाती है। कपालभाति प्राणायाम को करते हुए इस बात का ध्यान रखें कि आपके द्वारा ली गई हवा एक ही झटके में बाहर आ जाए। इस प्राणायाम को करते समय आपको यह सोचना है कि आपकी सारे नकारात्मक तत्व शरीर से बाहर जा रहे हैं। कपालभाति के फायदे भी है वो जानेंगे। कपालभाति प्राणायाम शरीर से टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में मदद करती है। इस प्राणायाम के करने से खिलाड़ियों के अंदर खेल कौशल्य में वृद्धि होती है। अस्थमा रोगियों को इस प्राणायाम के कारण बहुत ही राहत मिलती है और ये आंखों के नीचे के काले घेरों को भी ठीक कराती है। कपालभाति प्राणायाम करने से मेटाबॉलिज्म बढ़ता है और वजन कम होने में मदद करती है। दूसरा प्राणायाम है अनुलोम विलोम। इसकी विधि करने की प्रक्रिया, अपनी सुविधा अनुसार पद्मासन, सिद्धासन अथवा सुखासन में बैठ जाए। दाहिने हाथ के अंगूठे से नासिका के दाएं छिद्र को बंद कर ले और नासिका के बाएं छिद्र से चार तक गिनती से सांस को भरे। फिर बाई नासिका को अंगूठे के बगल वाली दो उंगलियों से बंद कर ले। उसके बाद दाहिनी नासिका से अंगूठे को हटा दे और दाई नासिका से सांस को बाहर निकाले। अब दाई नासिका से ही सांस को चार की गिनती तक भरे और दाई नाक को बंद करके बाई नासिका को खोलकर सांस को आठ की गिनती में बाहर निकालें। इस प्राणायाम को 5 से 15 मिनट तक कर सकते हो आप। ये प्राणायाम करने के बाद इसके फायदे भी है। इससे आपके फेफड़े शक्तिशाली होते हैं। सर्दी, जुकाम, दमा की शिकायतों से काफी हद तक बचाव होता है। हृदय बलवान होता है। मांसपेशियों की प्रणाली में सुधार आती है। पाचन तंत्र को दुरुस्त करता है और तनाव और चिंता को कम करता है और पूरे शरीर में शुद्ध ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ाता है। इस तरह ये अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं।